हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी हेरिडिटी के बारे में देख लिया एंड हेरिडिटी इन इवोल्यूशन में से आज हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। ओके ओके, सो एज यू कैन सी इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। So, एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पे बोल रहे हैं, हमने पहले देखा, पहले पार्ट में हमने देखा था हेरिडिटी क्या होता है, दैट इज हमारा जेनेटिक वाइज हम कैसे चेंज होते जाते हैं। ओके, हमारे अंदर जेनेटिक कोडिंग अगर थोड़ी सी डिफरेंस आ गई तो म्यूटेशन जो होता है वो कैसे हमको चेंज करता है, दूसरों से कैसे अलग बनाता है। ओके, तो आज हम उसी से रिलेटेड इवोल्यूशन का जो पूरा टॉपिक है वो हम बात करेंगे, जिसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल होता है, उसको कंबाइन करके जो होता है पूरा एक पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो एकदम सिंपल भाषा में ये कहा है कि एक बड़े लंबे समय में जो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली चेंजेस आते जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. तो मैंने already आपको बोला बहुत slow process है ये, जिससे हम एक particular organism develop होता है। All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि evolution की study में हमें Not only humans और not only living organism, हमें हर एक चीज को include करना चाहिए कि पहले से ही सारा stars, planets ये सब भी कैसे evolve हुआ है, हमारा environment में biosphere में जितनी चीजें आती है, हमारा ocean कैसे create हुआ है, हमारे landforms कैसे बने हैं, हर एक चीज हमें study of evolution में include करनी चाहिए। Formation of new species due to the changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called evolution. तो मैं आपको already बता चुका हूँ कि हमारे अंदर ही जो कुछ specific changes आ जाते हैं mutation के वजह से and हमारे environmental factors के वजह से, हमारे आसपास के environmental factors के वजह से हमारे अंदर कोई changes जो आ जाते हैं, वो ही चीज जब धीरे धीरे generation by generation carry forward होता है, genetic wise वो carry forward होता है हमारे next generation में, वो ही धीरे 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 वो एक हमारा बेस्ट फीचर बन जाता है। एंड वो ही चीज में हम जब कंपेयर करते हैं कि हम पहले कैसे थे और फाइव जनरेशन बाद कैसे है, तो वो हम बोलते हैं कि कोई भी एक स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो चुकी है अभी। ओके, दैट इज इवोल्यूशन। ओके, एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या है ना, सो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम पहले भी इसका थोड़ा सा पढ़ चुके थे कि डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन की वो बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन मतलब यहाँ पर वही होती है फिर से कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने सिंपल सा एक टर्म दिया था अपनी किताब में, उन्होंने उनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में, उन्होंने तीन चार वर्जन्स लिखे थे, बार बार वो बुक को और बेटर लिखा था। ओके, एंड बाद में उन्होंने ये वर्ड यूज किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो स्पीशीज सबसे ज्यादा बेहतरीन अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल कर लेता है, अपने एनवायरमेंट से लड़ने के लिए वो क्षमता रखता है, वो ही सर्वाइव करता है। तो अगर हम सब ह्यूमन हिस्ट्री जानते हैं कि हम कैसे एप्स में से इवॉल्व होते 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 हम आज ह्यूमंस आए हैं, राइट। सो ये हमने क्यों, कैसे हुआ ये, तो यही चीज ये थियरी बताती है कि एनवायरमेंटल चेंजेस होते गए एंड हम उस हिसाब से अपने आप को ढालते गए, हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते गए, और जो स्पीशीज चेंज होने में उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होने में सफल हुई वो ही आगे जाके सर्वाइव कर सकी और आज तक रह सकी। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट इसीलिए हो गए क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते जा रहे थे उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उससे वो डील नहीं कर पा रहे थे,
तो जो भी स्पीशीज एक्सटिंक हो जाती है वो अपने एनवायरमेंट से लड़ नहीं पाती है, वो अपने एनवायरमेंट उसके आसपास का एनवायरमेंट जब चेंज होने लगता है तो वो भी उस हिसाब से चेंज नहीं हो सकते हैं, इसीलिए कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक हो सकती है। ओके, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोस। तो एकदम सिंपल सा बोल रहे हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स, 3.5 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 3.5 बिलियन यानी कि बहुत ज्यादा होता है, इट्स लाइक 1 बिलियन इज 100,000, 1 बिलियन, 1 बिलियन, इट्स लाइक 1 बिलियन इज इक्वल टू 1,000 मिलियन होता है, ओके, 1,000 मिलियन होता है। एंड अगर सिंपल आपको मैं करोड़ में बताऊं तो 1 बिलियन इज 100 करोड़, एंड 100 करोड़ ईयर्स बहुत होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा होते हैं, ओके, ये नंबर छोटा मत समझिएगा आप। तो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ अर्थ पे चालू हुई थी, ऐसा हमने फाइंड आउट किया, ऐसा हमने रिसर्च करके पता लगाया, डिस्कवर किया गया है कि हमारे अर्थ पे लाइफ सबसे पहले ओशन के अंदर सिंपल सी जब चालू हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले थी, एंड बहुत ही सिंपल एलिमेंट से चालू हुई होगी, उसी में से बाद में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स मे हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोस सिंपल कंपाउंड्स, और वो जो सिंपल कंपाउंड्स थे उसी में से बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि हमारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं वो फॉर्म हुए होंगे। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट प्रिमिटिव का मतलब होता है जो सबसे पहले बेसिक सेल, जो बेसिक सेल जो था हमारा, जो बेसिक सेल होता है न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये जो एक बेसिक सेल होता है वो बाद में फॉर्म हुआ होगा, धीरे धीरे बाद में फॉर्म हुआ होगा। देयर मे हैव बीन सम डिफरेंसेस अमंग दोस सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding। तो अभी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये बात कर दी, बता दी आपको कि ये अब कह रहे हैं कि उसी सेल्स में से कोई सेल्स अपने आसपास सराउंडिंग में अच्छी तरह से ग्रो होने लायक बने होंगे और कुछ अपने एनवायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे तो वो एक्सटिंक हो गए होंगे। सो उसी को हम नेचुरल सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, जो चीज वेरिएशन होने के बाद अपने एनवायरमेंट को एक्सेप्ट करती है, रिप्रोड्यूस करने पर वो और क्वांटिटी में बढ़ते जाती है एंड उस तरह से एक कोई भी स्पीशीज फॉर्म होते जाती है। एट प्रेजेंट क्रोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो आज की तारीख में करोड़ों स्पीशीज है प्लांट और एनिमल्स के, करोड़ों स्पीशीज मौजूद है हमारे अर्थ के ऊपर, ओके, अर्थ एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस, एनिमल डाइवर्सिटी, तो एनिमल डाइवर्सिटी कहां से कहां तक की है, तो यूनिसेल्युलर, हम ये बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामेशियम से लेकर, यूनिसेल्युलर अमीबा और पैरामेशियम से लेकर मैन एंड जायंट व्हेल, तो वो एक रेंज बता रहा है हमें कि कहां से कहां तक। तो एक सिंगल सेल यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल अमीबा और पैरामेशियम से लेके मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्स एकदम मैन और व्हेल मैमल जो है उससे, ये दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, ओके, एंड द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम द यूनिसेल्युलर क्लोरेला टू द ह्यूज बनियन ट्री। तो प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर एक सिंपल सा जो एल्गे होता है, सिंगल सेल्ड एल्गे, ग्रीन एल्गे होता है, दैट इज क्लोरेला टू द ह्यूज बनियन ट्री। तो ये भी एक डाइवर्सिटी बता रहा है, मल्टी सेल्यूलर और एक सिंगल सेल हमारा प्लांट डाइवर्सिटी। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। तो एकदम सिंपल बोल रहे, अर्थ पे हर एक जगह पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इक्वेटर से लेकर दोनों पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, दोनों हर जगह पर पूरे अर्थ पे, ओशंस में, लैंड में, हर जगह पर लाइफ एग्जिस्ट
करती है. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such great diversity in life present on earth since ancient period. तो एकदम सिंपल वही बात मैंने आपको अभी ऑलरेडी बोल दी कि हर जगह पे लाइफ मौजूद है, एयर वाटर लैंड रॉक हर जगह पे, एंड ह्यूमंस लोग ने इसके तरफ बहुत ही ज्यादा अपनी क्यूरियोसिटी बताई है कि हम पता लगाने की कोशिश करते कि हम कैसे आए, हम कहां से आए, हम सबसे पहले क्या आया, कैसे ये सब हुआ, ये दुनिया कैसे बनी. तो ये जो है वो हम पहले से ही एंशियंट टाइम से ही ये सब चीज हम क्वेश्चनिंग करना सीख गए, क्योंकि द मोस्ट डेवलप ब्रेन वाले ह्यूमंस हम ही थे. हम ही सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को एडजस्ट करते रहे, एनवायरमेंट से लड़ते रहे, और एनवायरमेंट को हमने कंट्रोल करना सीखा और हम सर्वाइव करते गए. ओके, सो हम पहले से ही ये करते आ रहे हैं टू फाइंड आउट कि हम कहां से आए, कैसे आए. डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड. तो और पहले से ही हमने बहुत अलग अलग थियरीज एंड सब आइडियाज दी है कि हम इस तरह से आए होंगे, इस तरह से हमारा पूरा स्पीशीज आया हुआ है, इस तरह से ह्यूमंस धरती पर आए हैं. तो ये हम अलग अलग थियरीज बहुत पढ़ चुके हैं और बहुत हमने सुनी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज है दैट इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड. तो ये बेसिकली वही है कि ग्रेजुअल यानी कि स्लोली स्लोली एकदम एक स्टेप बाय स्टेप चेंजेस, लाइक सिंगल सेल, फिर हम मल्टी सेल्यूलर बने, मल्टी सेल्यूलर में फिर वाटर के अंदर हम पानी में सबसे पहले थे, पानी में हमने सबसे पहले एनिमल्स, और फिर एम्फीबियंस आ गए जो लैंड और वाटर दोनों पे थे, फिर सिर्फ लैंड पे भी एनिमल्स एंड प्लांट्स आने लग गए, और फिर उसके अंदर से इवॉल्व हो होकर फ्रॉम एप्स से हम धीरे 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 करके आज हम ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हैं. सो दैट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट प्रोसेस पूरा हम इस चीज को फॉलो करते हैं, हम मानते हैं. ओके, सो थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी वही है पूरा. लेट्स रीड अबाउट दैट थियरी ऑफ इवोल्यूशन. उसके पहले आपको यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा इंटरनेट इज माई फ्रेंड में दिया है बिग बैंग थियरी. बिग बैंग थियरी क्या है आप पढ़िएगा जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बिग बैंग थियरी इज समथिंग के वो कहता है कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, कैसे पूरा ये यूनिवर्स बना था, कैसे ये पूरी लाइफ आई थी. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थियरी है बिग बैंग थियरी. तो आप जरूर इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा. ओके, एंड अ पीक इनटू हिस्ट्री, मेनी फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ. देयर सीम्स टू बी अ थोरो डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स इन वेरियस कल्चर्स लाइक इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक एटसेट्रा. Various cultures have noted different type of information about planets, stars, the panchma bhuta, living organisms, etc. in the form of poetry, stories, religious, sacred books. तो ये कह रहे हैं कि सिंपल सा कि पहले के जमाने में से ही हम सारी चीजें करते आ रहे हैं एंड पता लगाते आ रहे हैं, एंड हर एक कल्चर ने अपने अपने हिसाब से इसके बारे में बात की है. बस दैट्स इट. थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फर्स्ट लिविंग मटीरियल दैट इज द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दैट इज सिंपल जो हमारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, लिविंग पार्ट, एकदम सिंपल भाषा में कहो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशन. तो सबसे पहले लाइफ कहाँ अकर हुई थी, पानी में अकर हुई थी. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वॉज फॉर्म्ड, और धीरे धीरे इसी में से पहला यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था, जो हम समझते हैं अमीबा पैरामेशियम फॉर्म हुआ था. ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड. ऑल दोस चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल. देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है, स्लो ग्रेजुअल. ओके, मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बता दी है, वही हम अभी रीडिंग कर रहे हैं कि धीरे धीरे एक सिंगल सेल से हम मल्टी सेल्यूलर बनते गए, सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते गए. जो भी लेवल पे हमने एनवायरमेंट चेंजेस को हमने एडेप्ट कर लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एनवायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा था
उसके हिसाब से हम अपने आप को ढालने लगे, उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करके उसके ऊपर काबू पाने लगे, वो चेंजेस हमारे अंदर कैरी फॉरवर्ड होते गया जनरेशन बाय जनरेशन, बहुत स्लोली ये चीज कैरी होते गया एंड वैसे करके हम इवॉल्व हो गए। तो ये बेसिक बात यही है, वही हम पूरा पढ़ने वाले हैं फिर से। ओके, सो ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसमें अब खाली रीडिंग जैसा ही है, कुछ ज्यादा है नहीं बताने को। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 crores years. Changes and development in living organisms had been all round and multidimensional, and this led to evolution of different types of organism. तो ये भी मैंने बोल दिया, ये इतना स्लो प्रोसेस है कि ये सब होने के लिए हमें 300 करोड़ साल लग गए पूरा, फ्रॉम अ सिंगल सेल टू आज जो हम है। ओके, एंड ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी कि हर डायरेक्शन में हमने डेवलपमेंट किया हुआ है। ओके, दैट इज मल्टी डायमेंशनल, एंड उससे हम आज इवॉल्व हो गए हैं पूरे। हेंस देयर इज ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड इवोल्यूशन विद व्हिच इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, आपको ये वर्ड यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यहाँ पे याद रखना है कि इवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन यानी एक परफेक्ट ऑर्डर में चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहा है, और ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट यानी कि कोई चीज डेवलप होना, कोई चीज बेहतर होना। प्रोग्रेसिव यानी कि सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना, दैट इज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। तो उसी पूरे चीज को, जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बोलो या या फंक्शनल भी बोला है उन्होंने, तो हमारा फंक्शन, हमारा कोई जो बॉडी का फंक्शन है वो भी चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे। ये दोनों को मिलाकर हमारे अंदर जो चेंजेस आते गए, उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वी गोना लर्न अबाउट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो ये हम जो बोल रहे हैं, जो हमने थियोरीज तो सारी निकाल ली, तो फिर भी हमें, हम हर चीज में प्रूफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं मिलती, एविडेंस नहीं मिलता है, तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, और कितनी बार तो एविडेंस मिलने पर भी हम कितनी बातें नहीं मानते। तो देर आर ऑलवेज दिस यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन द वर्ल्ड, कि आज भी कितने लोग हैं जो कहते हैं कि इवोल्यूशन थियरी बहुत ही बेकार है, ये सही नहीं है। तो लोगों की अपनी अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एविडेंस दिए हैं जिससे हम मान सकते हैं कि यस, इवोल्यूशन प्रोसेस जो है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो डार्विन ने बताया है कि इस तरह से हम इवॉल्व होके आए होंगे, वो सही है। देयर इज सम एविडेंस। तो एविडेंस हम किस बेसिस पे है, लेट्स रीड। सबसे पहला है आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। नाउ वर्ड मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, आप फिजिकल, आपके फीचर्स क्या है, द वे योर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, आईज, नोज, पूरा बॉडी कैसे दिखने में कैसे हो, दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम पढ़ते हैं वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ द आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पीना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, वेयर एज सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल एटसेट्रा अकर इन केस ऑफ प्लांट्स। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप्स, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. So एकदम simple भाषा में लोग ने ये कहा है कि जैसे कि आपको photos बहुत अच्छे, हमारे जो new textbook है उसमें काफी ये लोग ने picture presentation से बहुत आसान किया है बच्चों के लिए, कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि एक dog और sheep और ये fox, मेरे ख्याल से fox की है, okay? तो ये जो है इनका आप देखिए फेस स्ट्रक्चर सेम है, सबका फेस स्ट्रक्चर सेम है, सबका आई पोजिशनिंग सेम है, सबका नोज स्ट्रक्चर सेम है। तो ये जो है उसकी वो बात कर रहे हैं कि इससे हम बोल, उनके इयर्स का जो इयर्स जो है वो भी सेम है। तो ये इससे हम बात करते हैं कि ये बताता है कि ये सब लोग जो है एक कॉमन एंसेस्टर से स्प्लिट हो गए होंगे, और वो अपने अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग तरह से डेवलप हुए, इसीलिए कोई यू नो लायन बन गया तो कोई कैट बन गया। जैसे कि कैट फैमिली में हम ये बात कॉमन सी जानते ही है कि टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड और हमारा जो बेसिक कैट है,
ओके, तो ये सब, तो ये सबके फीचर्स सेम है, वो एक ही कैट फैमिली में बिलोंग करते हैं. ओके तो वो लाइक उनके विस्कर्स होते हैं, ओके उनके पॉज सेम तरह के होते हैं, उनके बिहेवियर सेम तरह से होते हैं, एकदम सीक्रेटिव और साइलेंट काम कर लेते हैं वो. तो ये जो है ये हमें बताता है कि उनको पहले स्टार्टिंग में कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, उसमें से ये चेंजेस आते गए और ये लोग अलग अलग होते गए. एंड जब एनवायरमेंट चेंज हो गया इनका, इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने आप को ढाल लिया. ओके और उस तरह से वो आगे और इवॉल्व होते गए. तो दैट इज द बेसिक इवोल्यूशन का थियरी, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें हम फिजिकल फीचर्स से बताते हैं कि यस इवोल्यूशन थियरी सही है. ओके एंड प्लांट्स में वो बता रहे हैं कि प्लांट्स में लीफ का शेप जो होते हैं, लीफ के शेप्स जो होते हैं, लीफ के ऊपर जो यू नो लीफ का वेनेशन, दैट इज आप जैसे कि ये मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ यू नो स्क्रीन पे, तो दैट इज दिस पार्ट इज वेनेशन. ओके एंड ये जो जहां पे वो एक लीफ जुड़ा है, जुड़ता है जहां पे, दैट इज योर पेटियोल. ओके तो ये सब चीजें हमें बताता है, ये सब चीजें हमें बताता है कि ये एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम बताते हैं कि दिस इज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हुआ है और इन सबके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल एविडेंस भी काफी आसान, काफी सिंपल सा. वो कह रहा है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर में जो हमारा बोन स्ट्रक्चर वगैरह जो है पूरा, उसका उसकी वजह से भी हमें, हम बोल सकते हैं कि हम सब कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज ही दिया हुआ है, तो सबका बोन स्ट्रक्चर आप बोलेंगे कि ये तो यार अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बोन के पार्टीशंस है, जॉइंट सबके जो है, वो सबके सबके सब वो सेम है. यू नो ये पार्ट सबका सेम है, ये जॉइंट सबका सेम है, हमने उस सब ये एक ही तरह की बोन्स है सारी की सारी. फिर इधर जॉइंट ये सब सेम है, ये पार्टीशन सेम है, इधर जितना डिफरेंस हुआ वो. फिर ये देखिए एक बैट का विंग का हमें दिया हुआ है और एक वेल के यू नो फ्लिपर, वेल जिससे स्विम कर सकती, दैट्स अ फ्लिपर. सो ये भी उसका देखो इतना पार्ट सेम है और फिर ये इतना पार्ट हड्डी का सेम है. तो ये जो है ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम बोल सकते हैं कि फिर से दिस इज द एविडेंस, दिट इज द एनाटॉमिकल एविडेंस, जिससे हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से चालू हुआ है. ओके सो लेट्स रीड इट क्विकली. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, देयर डज नॉट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ अ वेल एंड पेंटेजियम ऑफ अ बैट. सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स. देखो सबके स्ट्रक्चर हमें सिमिलर दिखते हैं, लेकिन सबका यूज अलग अलग है, सब लोग अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं. हाउएवर देयर इज सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उनके स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स और बोनी जॉइंट्स, जहां पे वो जॉइंट्स, बोन के जो जॉइंट्स है वो भी सेम है. तो वो वही वही चीज बताती है, यही चीज प्रूफ है कि ये सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर. तो यही चीज फिर से बात हो गई कि एनाटॉमिकल एविडेंस से भी ये बात प्रूफ होती है कि हमारे सबके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे. ओके थर्ड है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? एकदम सिंपल सा, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में जो जिसका फंक्शन आज की तारीख में कोई यूज नहीं है, लेकिन पहले ये यूज में आते थे. अब हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि वो अब हम ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में अपेंडिक्स जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ ये छोटा सा चीज होता है अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का एक्चुअल ह्यूमन को क्या यूज है, ये साइंटिस्ट लोग आज भी ढूंढ रहे हैं, आज भी डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ कहते हैं कि ये हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करता है टाइम टू टाइम, लेकिन अपेंडिक्स का यूज ह्यूमन बॉडी में आज की तारीख में कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं है. इसका पहले यूज होता था मोस्टली ये रुमिनेंट्स जो ये गाय वगैरह जो होते हैं, जो ग्रास वगैरह खाते हैं, एंड वो बाद में अलग से बैठ के डाइजेशन करते चबाते, तो उनमें उनको ये काम आता है, अपेंडिक्स उनको काम आता है फॉर डाइजेशन. ओके
ह्यूमन को आज की तारीख में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। वैसे हमारे कान का जो शेप है, कान हमारे जो पहले आपने देखा होगा डॉग्स लोग का हियरिंग कैसा होता है, कोई भी एनिमल कैट वगैरह भी आपने देखा होगा कि उनके ईयर्स कितने शार्प होते हैं, जरा सी आवाज में वो मूवमेंट कान का मूवमेंट कर पाते हैं, कान को मूवमेंट कर पाते हैं, राइट। हम अपने कान का मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको अगर मैं बोलूं कान को आप पीछे आगे करिए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में हमारे लिए उसका फंक्शन बिल्कुल ही वो मर चुका है। हमारे हमने इसको यूज करना ही छोड़ दिया इतने सालों से, इतने करोड़ों सालों से, कि वो स्ट्रक्चर आज की तारीख में ऐसा हो चुका है कि हम यहाँ पे मूवमेंट कर ही नहीं सकते। आपको मैं बोलूंगा कान को पीछे की तरफ करो ताकि पीछे की आवाज सुन सको, तो वो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन डॉग्स और कैट्स जो है वो अपने कान को पीछे आगे पीछे, रैबिट्स जो है वो कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे एनवायरमेंट में रहते हैं कि उनका यूज अभी तक चल रहा है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जो ऑर्गन हमारे अंदर थे या मतलब यूजफुल आज की तारीख में नहीं रहे, जो पहले से थे हमारे पास। जैसे हमारा टेल बोन भी होता है, तो हम लोग बिकॉज हमारा एविडेंस कहता है कि हम मंकीज एप्स में से इवॉल्व होते आए एंड मंकीज की टेल होती है, तो आज भी हमारा स्पाइन जो है उसमें लास्ट बोन जो है दैट इज योर टेल बोन, तो वो आज हमको यूज नहीं है, आज हमारे पास टेल नहीं है, लेकिन वो बोन आज भी मौजूद है जिसका कोई यूज नहीं है, तो दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, लेट्स रीड अबाउट इट। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो जो ऑर्गन आज की तारीख में अंडर डेवलप रह चुका है एंड हमारे लिए कुछ खास काम का नहीं रहा है, उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल, इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई नया टिश्यू ऑर्गन बन गया तो वो अचानक से गायब नहीं हो सकता है, तो हम क्या, हमारा बॉडी क्या करता है, उसको रखता है लेकिन उसका यूजेज ही कम कर देता है और उसको एडजस्ट कर लेता है हमारे बॉडी में। ओके, तो इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन situations. However, same structure under different situation may become useless or even harmful. Such structure becomes to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. तो ये देखो line काफी confusing सी लग रही है, लेकिन इसका simple meaning ये ही है कि कोई organ, कोई body का कोई part ऐसा होता है जो हमें काम का होता है, कोई नहीं होता है। जो काम का नहीं होता है वो धीरे 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 इतना यूजलेस हो जाता है कि बस वो वहीं पे रहता है, उसका कोई काम नहीं होता। जैसे कि आपको बर्ड पता होगा, इमू जो बर्ड है, ओके, इमू जो बर्ड होता है वो, उसके विंग्स होते हैं पर वो उड़ नहीं सकता है। तो उसका रीजन ये है कि वो इतने सालों से, जनरेशन जनरेशन से उसने कभी अपना विंग्स यूज ही नहीं किया, वो अपने विंग्स को यूज करना ही उसने छोड़ दिया है, तो इसीलिए आज की तारीख में वो उड़ नहीं पाता है। सो दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाता है, उसके लिए आज की तारीख में विंग्स कोई काम के नहीं है। ओके, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ स्ट्रक्चर टू डिसअपीयर, सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपीयरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिजम्स, इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये एकदम सिंपल बोल रहे फिर से कि यही ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं, वो कभी कभार पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जैसे कि हमारी टेल बोन है लेकिन हमारा टेल गायब हो चुका है, ओके, तो वो पूरा वेस्टिजियल ऑर्गन पूरा गायब हो चुका है, खाली उसका एक टेल बोन बचा है जहां पे वो बोन से पूरी टेल निकलती थी और वो टेल कंट्रोल कर सकते थे, ओके, तो वो बोन बची है खाली, ठीक है, लेकिन पूरा टेल हमारा ऑर्गन गायब हो चुका है। दूसरा, वो लोग ने कहा है कि जो चीज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, जरूरी नहीं है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी वो वेस्टिजियल हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अपेंडिक्स का काम हमको आज की तारीख में कोई नहीं है, लेकिन दूसरे जानवरों को अपेंडिक्स का काम होता है। ओके, अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन, देखो वो लोग ने भी यहाँ पे वही बात दी है, अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल टू फुल्ली एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स वही हो गया, मैंने फिर से जो काउज वगैरह जो होती है जो ग्रास वगैरह खाते हैं एंड बाद में वो अलग से डाइजेशन
के लिए वो बैठ के चबाते रहते हैं। तो ये जो ऐसे जिसका खाने का प्रोसीजर होता है उसे रूमिनेंट्स कहा जाता है। ओके, सो ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पीना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पीना। तो हमारे यहाँ पे भी मसल, जैसे मैंने बोला कि हम ये मूवमेंट नहीं कर पाते, हमारे यहाँ पे मसल है लेकिन हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हम कान को आगे पीछे मूवमेंट ही नहीं कर सकते, लेकिन मंकीज और दूसरे एनिमल्स इसको कर सकते हैं। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये दूसरी वो लोग अलग अलग वेस्टिजियल ऑर्गन्स बता रहे हैं जो हमारे हमारे पास मौजूद है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एविडेंस, दैट इज पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पेलियंटोलॉजिकल इज अ साइंस जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं, क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, हाउ कैन वी टेल दिस नाउ। दिस सीक्रेट, सीक्रेट का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग, दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो। रेमनेंट्स ऑफ एंड इंप्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, these are called as fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. तो एकदम सिंपल सा लोग ने कहा, हमारे मन में ख्याल आता है कि पहले के लोग, पहले के कौन से जानवर थे, कैसे वो रहते थे, वो कहाँ चले गए, वो कैसे मर गए। तो ये सारा जो चीज है, तो ये बातें जो हमारे आती है दिमाग में, ये चीजें हमें कैसे पता पड़ती है, तो वो उनके fossils, हमको उनके remnants यानी कि जो remain, उनके जो बचे हुए चीजें मिलती है, उनका बोन स्ट्रक्चर मिलता है। तो हमें ये कहीं ना कहीं ये सारे फॉसिल्स मिले हैं अर्थ के अंदर, यू नो, केव्स के अंदर एंड बहुत सारे अलग अलग साइट्स पे। तो वहां से हमें पता पड़ता है कि यू नो इवोल्यूशन हुआ था। सो दैट इज अगेन द एविडेंस, पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस जिसको हम बोलते हैं। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, कार्बन डेटिंग क्या होता है, दैट इज कार्बन यहाँ पे क्या होता है। तो ये पूरा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, फिर इसकी हम रीडिंग करेंगे। ओके, नाउ हमारा बॉडी ना कार्बन, सबसे पहली बात तो बहुत ही लोग कम जानते होंगे, लेकिन कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पूरी चीजें, हर एक चीजें कार्बन की बनी हुई है। ओके, एंड कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो पहली बात, आइसोटोप्स भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप ये समझे कि कार्बन 14 क्या होता है। आइसोटोप्स आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एन आइसोटोप। ओके, तो C14 क्या है, तो जब कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर जहां पे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड साथ में इक्वल बैलेंस्ड दोनों के बीच में है न्यूट्रॉन्स। तो ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो न्यूट्रॉन्स का नंबर जब बढ़ जाता है तो आइसोटोप फॉर्म हो जाता है। तो कार्बन में 12 जो है, 12 में बैलेंस है, 6 प्रोटॉन्स है, ओके, एंड 6 न्यूट्रॉन्स है। ओके, तो दोनों को मिला के ये एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक वेट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, वो बना है, एटॉमिक वेट यहाँ पे जो बना है 12। लेकिन इसके अंदर जो 14 ये जो आया, इसके अंदर 2 इंक्रीज जो हो गया है, वो इंक्रीज न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया है। ओके, तो एलिमेंट तो वही है लेकिन उसका थोड़ा सा फंक्शनिंग चेंज हो गया, बिकॉज उसका 2 इंक्रीज इन न्यूट्रॉन्स हो चुका है। सो इसमें क्या होता है ना, कार्बन डेटिंग जो मेथड है, इट इज अ मेथड, पहली बात, टू फाइंड आउट द कोई चीज कितनी पुरानी है, ये चेक करने के लिए हम ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम करता है वो पहले समझते हैं। प्लांट्स कार्बन, जो भी लिविंग चीज होती है ना, वो कार्बन कंज्यूम करती है। ओके, एंड जब तक वो जिंदा है तब तक कार्बन उस बॉडी में यू नो बैलेंस्ड आउट रहता है, यू नो वो यूज होता है। ठीक है, जैसे ही हम मर जाते हैं वो हमारे बॉडी का कार्बन जो है वो डीके होने लगता है, सड़ने लगता है। ओके, तो ये पहले प्रोसेस आपको समझना है। तो प्लांट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, हमारे सबके बॉडीज के अंदर कार्बन आ जाता है। जैसे ही हम मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, हम मर जाते हैं, वो बचा अंदर का जो कार्बन है वो डीके होने लगता है। वो डीके होता है इन द फॉर्म ऑफ C14 के रूप में, वो डीके होने लगता है। ओके, तो कार्बन एलिमेंट C14 आइसोटोप बन के वो डीके होने लगता है। नाउ C14 एलिमेंट का एक टाइम पीरियड है, एक टाइम लिमिटेशन है।
यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने में, डीके डीके यानी सड़ जाना एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये पहली बात, ये पूरा रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, ओके रेडियो एक्टिव प्रोसेस है ये, तो इसको रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। सो ये डीके होने लगता है, C14 डीके होना, एनवायरमेंट में डीके होने लगता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो जो भी मरी हुई चीज है उसमें से वो निकलते जा रहा है, एस्केप होते जा रहा है, कार्बन जो है उसके अंदर वो एस्केप होते जा रहा है एनवायरमेंट में, ओके रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से। नाउ ये प्रोसेस को टाइम लगता है, ओके ऐसा नहीं है कि कोई चीज मर गई तो अभी कल परसों तक उसका पूरा कार्बन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कार्बन डीके, C14 डीके होने में बहुत टाइम लगता है, ओके तो ये जो डीके हो रहा है ना, तो लेट्स फॉर एग्जांपल ये जो डीके होता है ना उसका एक टाइम पीरियड है कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो आपको अभी समझाने के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, रियल में इसका टाइमिंग अलग है। C14 को समझो डीके होने में 10 years लगेंगे, लेट्स से पूरी तरह से डीके होने में 10 years लगेंगे, ओके तो पूरी तरह से वो चीज, यानी कि 10 साल बाद 10 साल लगेंगे कोई भी चीज में से पूरा C14 डीके हो जाने में, पूरा कार्बन निकल जाने में। तो जब मैं, मेरे को कोई चीज मिलती है, कोई चीज, कोई लाश मिलती है, कोई फॉसिल मिलता है, उस पर मैं जब टेस्ट करता हूँ, उसके अंदर जब पता लगाता हूँ कितना कार्बन बचा हुआ है, कितना कार्बन बचा हुआ है, उससे मुझे अंदाजा लगता है कि इसके अंदर अभी तक हाफ कार्बन अगर बचा है, हाफ बचा है इसका मतलब हाफ चला गया, हाफ चला गया और हाफ बचा है, इससे मैं अंदाजा लगाता हूं कि ये 5 साल पहले का होगा। क्योंकि पूरा अगर चला गया होता तो 10 साल पुराना हो जाता, अगर मुझे कार्बन नहीं मिलता उसके अंदर बिल्कुल भी, तो इट मींस वो पूरा चला गया है। तो मैं क्या बोलता, ये चीज 10 साल पुरानी है क्योंकि कार्बन पूरा का पूरा चला गया, लेकिन मुझे उसके अंदर अभी तक आधा कार्बन मिलता है, इट मींस आधा कार्बन ही चला गया है। तो आधा कार्बन बचा है तो रेट क्या हो गया, तो 5 years पुराना हो गया ये चीज। तो ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कार्बन डेटिंग जिसको हम बोलते हैं। आपको यहाँ पे वो चीज सिर्फ समझनी है कि यहाँ पर हम C14 का हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, एंड उससे हम पता लगाते हैं कोई भी चीज के अंदर कितनी रेडियो एक्टिविटी, मतलब कितना कार्बन बचा है, एंड उससे कितना उसका एज होगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ 10 years 5 years बोला है। कार्बन 14 डीके होने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, आई गेस अराउंड 4,000-5,000 इयर्स लगते हैं, ओके सो ये चीज आपको समझनी है थोड़ा सा। लेट्स रीड, कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ। तो जैसे ही हमारा कार्बन कंजप्शन स्टॉप होता है, सिंस देन ओनली द डीकेइंग, वो सड़ने का प्रोसेस चालू हो जाता है, C14 अकर्स कंटिन्यूसली। In case of dead bodies, plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. तो एकदम सिंपल वो लोग बोल रहे कि हमारे बीच में कार्बन और C14 दोनों अलग अलग चीज है, तो हमारा कार्बन अंदर आना बंद हो गया है क्योंकि हम मर चुके हैं। तो रेशियो जो है कार्बन और C12 और C14 का रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। तो यही हम डिफरेंस मेजर करते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये डिफरेंस से हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा इतना हो गया है तो मतलब इतना टाइम पुराना चीज ये है, ओके। द टाइम पास्ड सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन दर बॉडी। तो ये रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना एनवायरमेंट में कितना कार्बन है और बॉडी में कितना कार्बन है, दैट इज लाइक द मेजरमेंट ऑफ रेशियो C14 to C12. This carbon dating method, it is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. तो ये हम manuscripts भी, हम पुराना जितना भी चीज है वो like paper वगैरह किससे बना था, सब कुछ plants and सब कुछ you know यही चीजों से बना था, तो उससे भी हम पता लगाते हैं। फिर से dead material हो गया तो उससे भी हमको पता लगता है ये document जो बना है, paper जो बना है कितना पुराना होगा, ये manuscript जो है वो कितनी पुरानी होगी। Once the age of the fossil been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. तो एकदम सिंपल, जैसे ही एक बार ये टेक्निक से हमें पता पड़ जाता है कि ये कितना पुराना फॉसिल है, उससे हम बाकी चीजों के बारे में भी पता लगाते हैं। और हमारा जो सीक्वेंस था, टाइमलाइन जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था,
टाइमलाइन जो था उसमें हम इसको अच्छी तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ ये इतने साल पुराना है, ये उसके पहले आया होगा या इसके बाद आया होगा, तो ये चीज हम कर पाते हैं. इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि इससे हमने ये पता लगाया है कि वर्टिब्रेट्स धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट्स में आए थे. वर्टिब्रेट्स आर समथिंग बैकबोन, सिंपल भाषा में जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी बैकबोन नहीं होती है. ओके, तो जिसकी बैकबोन होती है उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं एंड जिनकी बैकबोन नहीं होती है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. ओके, आगे देखेंगे. यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा सा इन्होंने एक दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमको ये जो ये लोग ने एक टाइम पीरियड हमारा बता रहे हैं कि इवोल्यूशन प्रोसेस में सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स थे. ओके, इनवर्टिब्रेट्स में देखो आज की तारीख में कौन कौन आता है, स्नेल, स्टारफिश, ये सब. एंड धीरे धीरे हम ये एम्फीबियन की तरफ बढ़ने लगे, पीसीस यानी पानी में हम लोग फिश वगैरह आने लग गए, ये सब कुछ. एंड एम्फीबियंस दैट इज लैंड एंड वाटर दोनों. फिर रेप्टाइल्स आने लग गए यानी कि लैंड स्पेसिफिक हो गए, और फिर धीरे धीरे मैमल्स में आ गए. और ये पूरा एक तरफ, दूसरी तरफ वो लोग ने ईरा क्रिएट कर दिया है. ये पूरा वो लोग ने, हमने हिस्ट्री को जो डिवाइड किया है ईरा वाइज, उसमें ये थ्री ईराज है. दैट इज पहले ये सबसे पुराना वाला है, पैलियोजोइक ईरा, फिर है मेसोजोइक ईरा, और है आज अभी तक जो चल रहा है, मतलब दैट इज सिनोजोइक ईरा. तो दैट इज एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि कोई चीज कितनी पुरानी है. हमने फॉसिल्स के मदद से और कार्बन डेटिंग टेक्निक के वजह से इस सबको ईरा वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है. ओके, इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने विलार्ड लिबी, इन्होंने ये मेथड निकाला था, C14 मेथड डेवलप किया था, कार्बन डेटिंग का मेथड डेवलप किया था, जिसकी वजह से आज हम इतनी आसानी से पता लगा सकते कोई चीज कितनी पुरानी है. इनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. ओके, फिफ्थ हमारा देखेंगे एविडेंस कनेक्टिंग लिंक्स. तो कनेक्टिंग लिंक्स क्या है वो देखेंगे. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक्स. नाउ कनेक्टिंग लिंक्स क्या है, तो ये आपको जैसे इमेजेस दिख रहे हैं, डक बिल पैलेटस, लंग फिश, पेरिपेटस. तो ये क्या है हम इसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स शो वन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, hence they are called connecting links. तो पहले तो ये कह रहे हैं, आपको समझना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स है जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, इनकी बात हम अभी करेंगे. सो ये दो अलग अलग हमारे डिफरेंट ग्रुप्स में आ सकते हैं, और वो उनके बीच में का कनेक्टिंग लिंक हो जाता है. दो अलग अलग ग्रुप में फॉर्म हो सकते हैं और वो दोनों के बीच में वो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे वो कनेक्टिंग लिंक कहे गए हैं, इनको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है. ओके, तो लेट्स सी क्या है एग्जांपल. इन पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपॉड्स. तो अब ये यहाँ पर देखो, ये दो लाइन में बहुत सारी ऐसी बातें आ गई जो आपको पहले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो ही आपको ये लाइन समझेगी, वरना नहीं समझेगी. तो आपको पहले ये लॉजिक समझना है कि ये जैसे कि यहाँ पे लोग ने बताया, उससे ये पता पड़ता है कि ये दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडास. एनिलिडा करके हमारा एक फाइला होता है, फाइलम जिसको हम बोलते हैं. ओके, एनिमल किंगडम के अंदर, लेट्स गो स्टार्ट से. एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे एनिमल किंगडम जो है उसके अंदर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम फाइलम्स करते हैं. दैट इज फाइलम में एनिलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है. ओके, तो ये जो आर्थ्रोपोड है और एनिलिडा है, ये कुछ अलग तरह के जीव है, ये कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है. एनिलिडा के अंदर वॉर्म्स आते हैं. ओके, जैसे कि अर्थ वॉर्म होता है हमारा. ओके, अर्थ वॉर्म हो गया, रिंग वॉर्म हो गया. सो एनिलिडा में वैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, जिनमें पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं. पैरापोडिया क्या होता है, तो ये आपको जो इमेज में ये छोटे छोटे पाव जैसे दिख रहे हैं, बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो दैट इज पैरापोडिया स्ट्रक्चर्स इसको बोलते हैं, पैरापोडिया ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं. तो ये अर्थवॉर्म्स और यहाँ पर जितने भी वॉर्म्स वगैरह जो आते हैं एनिलिडा के अंदर, उनके उनका ये फीचर है. ओके, एंड फिर वो लोग ने कहा कि दिस एनिमल्स शो
tracheal respiration and open circulatory system. That is up. ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ट्रैकियल यानी कि देयर इज अ ट्रैकिया इन इट, जिससे हम वो लोग यू नो ब्रीथ कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं. ओके, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है, क्लोज नहीं है. ह्यूमंस के अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि हमारे ब्लड ऐसे ही बॉडी में फ्लो नहीं होता है, वो वीन्स एंड आर्टरीज में से फ्लो होता है. जबकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी इनका उनके अंदर कोई स्पेसिफिक वीन्स और आर्टरीज में ब्लड नहीं जा रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है. ओके, तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है तो ये आपको समझेगा यहाँ पे. तो ये कह रहे हैं कि पेरिपेटस जो है ये दोनों के बीच का लिंक है. दिस इज वन ग्रुप, दिस इज वन ग्रुप. ये दोनों के बीच में पेरिपेटस में जितने भी आते हैं जीनस, पेरिपेटस जीनस के अंदर जितने भी वॉर्म्स आते हैं वो ये दोनों के बीच के लिंक है. क्योंकि पेरिपेटस जीनस वाले वॉर्म्स के अंदर एनिलिडा के भी कुछ फीचर्स हैं और आर्थ्रोपोडा के भी कुछ फीचर्स हैं. तो ये आपको समझना है कि ऊपर के भी कुछ चीजें, सेगमेंटेड बॉडी जैसे हो गया, पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे हो गया, ये ऊपर से आया उनको, और आर्थ्रोपोडा के कुछ फीचर्स हो गए, दैट इज उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, एक्सोस्केलेटन हो सकता है शायद उनके. तो ये दोनों अलग अलग फीचर्स है पेरिपेटस के पास, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है. ये दोनों को कनेक्ट करता है. ओके, आगे पढ़ते हैं. सिमिलरली तो जो डक बिल प्लैटिपस है ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स. नाउ आपको पता होगा रेप्टाइल्स लोग अंडे देते हैं, मैमल्स लोग अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए. तो जो डक बिल प्लैटिपस है वो एक्चुअल में मैमल का भी कुछ क्वालिटी रखता है और रेप्टाइल का भी रखता है. तो रेप्टाइल की तरह वो अंडे देता है लेकिन शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमलरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स. लेकिन वो एक मैमल से रिलेशन इसलिए रखता है क्योंकि उसके पास हमारी तरह कोई ग्लैंड्स होंगे. ओके, हेयर स्ट्रक्चर्स है, मैमलरी ग्लैंड्स है, जिससे दो अलग अलग मैमल एंड रेप्टाइल्स दोनों के बीच का लिंक हो गया. लंग फिश परफॉर्म्स. अब देखो उसका नाम लंग फिश है तो आपको पहले फिर से इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि फिश गिल्स से ब्रीथ करती है. गिल्स उनके उनको गिल्स होते हैं राइट, जिससे वो ऑक्सीजन ये वाटर का ऑक्सीजन वो यू नो यूज करती है. सो लंग मैमल्स लोग हम लोग जो है लंग से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं राइट. तो लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ बींग ए फिश. तो ये फिश होने के बावजूद लंग्स से रेस्पिरेशन करती है. तो ये लिंक हो गया फिर से कि यू नो फिशेस और एम्फीबियंस का लिंक हो गया. ये दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम फिशेस. तो यही फिर से ये जो कनेक्टिंग लिंक है अलग अलग क्लासेस के बीच में, अलग अलग जेनस के बीच में, अलग अलग स्पीशीज के बीच में ये जो लिंक बता रहे हैं ये लोग, तो ये जो लिंक जो है ये लिंक हमें बताता है कि इवोल्यूशन हुआ होगा जिसमें रेप्टाइल्स से धीरे 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 मैमल्स आए एंड फिश से धीरे धीरे एम्फीबियंस आ गए. ओके, सो ये कनेक्टिंग लिंक है. थोड़ा सा ये यू नो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस पे आप जरूर एक और बार अच्छे से पढ़ के इस पे ध्यान दीजिएगा. आगे बढ़ेंगे. अभी सिक्स्थ हमारा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी एम्ब्रोस के बात कर रहे हैं यहाँ पे. एम्ब्रियो क्या होता है, तो जो पहला यू नो जब एग और स्पर्म मिलता है एंड जो जायगोट फॉर्म होता है, तो जायगोट जब डेवलप होता है फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी, जो बच्चा जो बेसिकली हम बोलेंगे जो वो डेवलप होता है उसे एम्ब्रोस कहते हैं. ओके, तो जो पहला जायगोट होता है उसे एम्ब्रोस कहते हैं. तो उसके एविडेंस से हम ये कंपैरेटिव स्टडी करके बता रहे हैं कि इवोल्यूशन का ये एविडेंस है. जैसे कि आप ऑलरेडी ये देख सकते हो, काफी इमेज में ही ये चीज आपको समझ में आ जाएगी. देखिए फर्स्ट स्टेज का एम्ब्रोइस सबका सेम दिखता है, सबका एम्ब्रोइस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सेम दिख रहा है सब लोग. जबकि ये कौन है, देखो ये फिश का था. ओके, पहला वाला फिश है, सेकेंड वाला सैलमेंडर सैलमेंडर का दिया हुआ है, थर्ड वाला टोर्टोइस का दिया, फिर चिकन पिग, और लास्ट वाला देखिए मैन. तो ये मैन से लेके मतलब फिश से लेके मैन तक सबका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है. तो ये ही चीज बताती है कि ओरिजिन सबका कॉमन है, एंसेस्टर्स सबका कहीं ना कहीं कॉमन है,
एंड इवोल्यूशन होकर ही हम आज इतने अलग सब हो चुके हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेज तक भी ऑलमोस्ट सब सिमिलर है, थर्ड में भी काफी सिमिलरिटी दिख रही है पिग और काउ में, रैबिट में, ओके मैन में, और यहाँ पर ये टॉर्टोइस चिकन में, और यहाँ पे फिश सेलमेंडर में। तो ये एविडेंस है फिर से कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं, एंड दैट इज इवोल्यूशन का पूरा थियरी। ओके सो ये फटा से रीड कर लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शोज दैट ऑल एम्ब्रियोस शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस एंड दोज सिमिलैरिटीज डिक्रीज ग्रेजुअली। तो सिंपल हमने इमेज में ही देख लिया कि स्टार्टिंग में बहुत सिमिलैरिटी है, धीरे धीरे वो चेंज हो जाती है। सिमिलैरिटीज इज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल एनिमल्स। तो ये स्टार्टिंग का ही हमें बता देता है कि हमारा सबका कॉमन ओरिजिन है। ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट यू नो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हमने देखा, एंड उसके पहले हमने बेसिकली जाना कि व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन थियरी हमने पढ़ा। ओके नेक्स्ट पार्ट में हम डार्विन्स थियरी एंड आगे का चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ओके सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको क्या लगा, कैसा लगा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।